जो मैंने सन 2005 में, मतलब मैं जब बहुत छोटा था, टीन एज में कर लिए थे। एक बहुत ही मेरा फेमस हुआ था उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट। पिछले पहिए में मैंने दो बल्ब लगा दिए थे और वो स्विच ऑपरेट थे। सोचो, टायर घूम रहे फिर भी लाइट जल रही है और लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है, वो कैसे? हेलो दोस्तों, दिस इज मिनट फॉर मेंस एंड मोर्स। आज की जो वीडियो भाई एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। बेसिकली आपके भाई ने एक, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड आई थी कि भाई एक्सपेरिमेंट करो कुछ। हमें भाई बहुत रिपेयरिंग का तो हम सबके काम आता है, बट एक्सपेरिमेंट का आपके हाथ के एक्सपेरिमेंट देखने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो उन एक्सपेरिमेंट से, मतलब थोड़े भावना को समझो, उन एक्सपेरिमेंट से जो मैंने सन 2005 में, मतलब मैं जब बहुत छोटा था, टीन एज में कर लिए थे। ठीक, क्या क्या कर रहे थे वो सब बताऊंगा। जैसे एक बहुत ही मेरा फेमस हुआ था उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट। पिछले पहिए में मैंने दो बल्ब लगा दिए थे, लाइट जिसे कहते हैं, लाइट लगा दी और वो स्विच ऑपरेट थे। अब वरना नॉर्मली आपने देखा होगा वो ऐसी लग जाती है, बैटरी रहती है इनबिल्ट, बट वो बाइक से कनेक्शन से थे, स्विच से। सोचो, टायर घूम रहे फिर भी लाइट जल रही है और लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है, वो कैसे, वो बताऊंगा। मैंने चला आपके साथ शेयर किया जाए सन 2005-06 में मैंने उस टाइम पे, आज से 17-18 साल पहले किस तरीके से लगाया वो बताऊंगा। और साथ में मैंने उस टाइम पे क्या था अपनी बुलेट पे, कार का पहिया लगाया था, ये वाला, मतलब ये वाला नहीं, मतलब ये तो मेरी गाड़ी का है, तो उसमें मारुति 800 लगाया था, ये तो मेरी सेंट्रो का है, तो वो लगाया था। अगर इसकी भी वीडियो देखना चाहते हो, अगर ये वाली पसंद है एक्सपेरिमेंट की, तो वो बताना, या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप देखना चाहते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। बेसिकली इस लाइटों से, टायर से कोई सेंस नहीं बनता लगाने का, बट ये एक्सपेरिमेंट है किस तरीके से लगे, वो चलेगी कैसे, ये बस एक जुगाड़ है, लगा के देखें। मैंने चलो कुछ ना कुछ नया किया जाए। और क्या देखना चाहते हो? और ये बाइक मैंने एक्सपेरिमेंटल के लिए बना दी है, तो इस पर सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, जो कहोगे वो करेंगे, बुलेट जो हो सकता है। आप बता दो बस कमेंट करके कि रम्मी भाई इस पर ये एक्सपेरिमेंट करो, हैंडल पीछे फिट कर दो, हैंडल आगे फिट कर दो, गद्दी नीचे फिट कर दो। ऐसा मत कर देना, मजाक करो, चलाऊंगा कैसे नीचे इंजन के। खैर कोई नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें टायर खोलना पड़ेगा और क्या क्या जुगाड़ करे थे उस टाइम पे उसी तरीके से करूंगा, ठीक है। जैसे अभी कोई नया अपडेट नहीं कर रहा, अपडेट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें उसमें उम्र के साथ होता है ना, पता चलता है क्या क्या कर सकते हैं, वो भी करेंगे। अभी सबसे पहले खाली इसका पहिया निकाल के दो, मैं वही जुगाड़ करूंगा जो मैंने आज से 17-18 साल पहले किया था, पिछला टायर निकालो उसका। तो खुल गया टायर, अब देखो जैसे हमारे पास ये आ गया, हमें लगाने हैं ये वाले बल्ब। देखा आपने, मतलब वो तो एक वो था एग्जांपल CFL का, ठीक। हमें लगाने हैं ये वाले बल्ब यहाँ पे और यहाँ पे। उसके लिए हमें ना तार भी लगानी पड़ेगी, तो अनडाउन करने के लिए इसको खोल लेते हैं। भाई बड़ा जाम हो गया तुम, ड्रिल मशीन ले आओ यहाँ से, क्योंकि खोल करके तार निकालनी है ताकि वो तार यहाँ आके लगे। अब मैंने इस टायर में पूरे में अर्थिंग रहती है, तो पॉजिटिव कहाँ से देंगे हम, बना रहे हैं जुगाड़, रुको जरा। ये नहीं खुल रहा बाबा, लाओ एक मुखी बिट दो, आठ दे दो, इससे खुलेगा। इस जुगाड़ से तो अच्छे अच्छे पेज खुल जाते हैं। लाओ पेन पेचकस, अब क्या करना है हमें, जब बल्ब लगा देंगे तार, अगर ऊपर से लगेंगे वो अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे खाली एक ड्रिल करो, यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी एरिया में, बस यहाँ से तिरछा जाए ताकि तार निकल जाए इसमें से। करना जरा, जहाँ पे भी करो, एक यहाँ एक उसके सामने कर देना। ये कर दिए खाली ने एक यहाँ पे होल, अब तार निकालते हैं और बल्ब की फिटिंग करते हैं, उसके बाद कनेक्शन करेंगे इसके। क्योंकि टेम्परेरी चल रहा है ये मामला, तो टेंशन मत लेना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसको केबल टाई से बांध देंगे। पहले तो मैंने, पता है, वायरिंग की तार से बांधे थे, उस टाइम केबल टाई नहीं हुआ करती थी। अब करने हैं इसके कनेक्शन, अर्थिंग हम तो अर्थिंग को यहीं टाइट कर देंगे, कहीं पे भी अर्थिंग की दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। ये लगाते हैं अर्थिंग में, हम इस प्लेट का और इसके बीच में दबा देंगे। लाओ एक बैटरी देना चेक करने के लिए, इसको करते हैं टाइट अप। अब क्या है, इसको हम पॉजिटिव करंट देंगे,
और एक्सल और मेन चैन से इसको अर्थिंग मिलेगी। अगर यहाँ काम कर रहा है तो बढ़िया काम करेगा। इसका फिर कनेक्शन करते हैं। चलिए अब इसको जला के देखते हैं। ये पॉजिटिव और ये अर्थ। ओहो बढ़िया, बैटरी थोड़ी डाउन है, अरे घूमते हैं बड़ा अच्छा लगेगा। अब मेन एक तार का क्या करना है, तार हम यहाँ से देंगे इसको पत्ती को। तो पहले इसमें हम एक रबड़ लगाएंगे। ये रबड़ पता है कौन सी है? ये रबड़ बुलेट के एम्पमीटर को होल्ड करती है जब ऐसे लगाते हैं। मैकेनिक भाई देख रहे हैं तो समझ गए होंगे, बुलेट्स के शौकीन है वो समझ गए होंगे। तो इसको क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे कुछ कुछ ऐसे। अब रबड़ के ऊपर जाहिर सी बात है करंट नहीं आएगा। तुम क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ रुको। ठीक, अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक केसिंग देनी है, लोहे का पाइप लगाना है जो इसमें टच नहीं होगा। वो होगा हमारा ये एक्ट्रा का थंडरबर्ड का शॉकर ग्लास का साइज आता है ये वाला। ये शॉकर ग्लास है, मैंने यही लिया था उस टाइम पे, तो आज भी ये ले रहा हूँ। इसको हम खाली गोला काटेंगे, वो काट के निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखोगे अब बिल हो जाएगा ये। देखो इतने साल पुरानी बात मुझे याद थी। अब क्या करना है, इस पर हम या तो एक और रबड़ लगा सकते हैं, मगर वो ज़्यादा मोटा होता है। मैं क्या करूँगा, टेप लगाऊंगा इसके अंदर ताकि और हमारे पास स्पंची वाला सीन आ जाए। ठीक है, तो इसको रोशनी में लेके चलते हैं, वहाँ टेप लगाते हैं इसमें। बस इतने में हो जाएगा, दिखाना खाली। हाँ टाइट है, सेट है अब। ठीक है, इसका एक जगह से पेंट साफ कर दो जरा हल्का सा। अब क्या करते हैं, हम इसको इतना छोड़ते हैं और जो हमने रंग साफ किया है इसको इसमें दबा के हल्का सा अंदर कर देंगे, इतना कि पीछे टच ना हो। ठीक, अभी जगह है थोड़ी सी, थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं। परफेक्ट, अगर कहीं से टच भी हो रहा है तो उसको पेचकस डाल कर ऐसे ऊपर कर दो। अब क्या करेंगे, ये देखो ये आ गया परफेक्ट। हमारी वायर जो थी वो इसने पकड़ ली, दिखाना चेक कर लेते, बैटरी देना। फिर इसके ऊपर डाल देंगे हल्की सी एल्फी ताकि ये हिले नहीं, वैसे कहीं नहीं लगा। देखो इसको पकड़ के टायर भी घुमा दूंगा, ये देखो कहीं नहीं जाने वाला। ये रखते हैं बैटरी, ये रहा, बढ़िया काम कर रहा है। देखो स्पार्किंग तो रिम पे तो होगी, बट यहाँ पे अगर करंट मिलेगा इसको ये बढ़िया काम करेगा। देखो इस तरीके से, ठीक लाओ एल्फी देना, थोड़ी सी इसमें एल्फी डाल देते ताकि ये हल्का मजबूत हो जाए। बस इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब टायर लगाएंगे, बट इसका स्पेसर एक्सल नहीं लगाएंगे क्योंकि सारा काम उसका है। ठीक है, आइए अभी बनाते हैं इसका स्पेसर कुछ कुछ इस तरीके से और अच्छे से करना रोल। टेप में कोई कंजूसी नहीं करनी क्योंकि सारा इसमें आ रही होती है अर्थिंग, सारा गेम खराब हो जाएगा अगर टेप में कंजूसी कर दी। इसमें आप पीवीसी का पाइप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीवीसी का कई बार लूज हो जाता है। मतलब बचपन में मैंने देखा था, कई बार मैंने वो क्या एक्सपीरियंस इस चीज़ का आया कि वो लूज हो जाता है। बस इतना बहुत है। अब क्या करना है, अब हमें लेना है बुलेट ओल्ड मॉडल का पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है बुलेट का ही चाहिए क्योंकि हमें चाहिए इसकी पत्ती, ये होती है हार्ड, ये घिसती नहीं है, समझ रहे हो भावनाओं को। तो ये लेनी है, इसको हल्का सा ग्रैंड की तार लगाना। ये ऐसे निकल गई। ठीक, अब इसको हम अपने तरीके से डिज़ाइन करेंगे, वहाँ से एक्सल डालेंगे इसका। छोटे लिए बोल दो, ये लगाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब ये हम इस पर टच करेंगे, ये हो गया कुछ कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसको हम क्लिप से टाइट कर देंगे इसके अंदर, दो क्लिप लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। इसमें बहुत चीज़ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट ये मैं पहले वाला जो बताऊँ 2005-06 में मैंने किस तरीके से किया था, ताकि आप सोचो उस टाइम पे यार कितना दिमाग लगाया हुआ ये सब करने के लिए, क्या क्या करा होगा उस टाइम पे। ये देख सकते हो इस तरीके से हो गया। अब ये जो है यहाँ पे जाएगा, ये इसमें लग जाएगा हमारा, खाली इसको इस तरीके से घूमेगा जब, मतलब ये तो रुका रहेगा हमारा टायर घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी, बढ़िया घूमेगा। अब इसमें एक वायर जोड़नी है जो हमारी पॉजिटिव की जाएगी स्विच में। ठीक है, वायर जोड़ के टायर लगाते हैं इसका और चेक करते हैं कैसा लुक आने वाला है। सोल्डिंग भी कर सकते हैं बट क्योंकि खाली टेम्परेली मैं खाली चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, मतलब बताने के लिए कि क्या क्या जुगाड़ हो सकता है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग वोल्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, खाली टेढ़ी करो बाइक को, यहाँ से लगा देंगे छोटी वो स्पेसर पहले, देन क्योंकि अभी हमने ये लगा दिया सब कुछ तो थोड़ा सा ये चौड़ा कर खींच के लगाना पड़ेगा। ठोको एक्सल,
ठीक है, उसका एडजस्टर लगाते हैं, व्हील को लेट दो, ऑयल देना, हल्का सा ऑयल कुप्पी दो, इस तरीके से हल्का सा ऑयल डालें ताकि घिसे ना, लुब्रिकेंट के लिए। ग्रीस भी लगा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है, खाली व्हील टाइट करो, उसका कनेक्शन करते हैं फिर हम। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉकर से तार वायर एक सिंगल ये ऊपर ले जाएंगे केबल टाई लगाते हुए। उस टाइम पर ना सब मैंने टेप से बांध दी है, स्प्रिंग कॉइल में लगा देते हैं ताकि इधर उधर ना हिले। अब चाहो तो इसके लिए अलग से स्विच दे दो, चाहो हेडलाइट बैकलाइट से भी कनेक्शन दे सकते हैं, तो मैं इसको हेडलाइट से ही दे रहा हूँ जो बैकलाइट के साथ जल जाए, और वो आता है इसमें ग्रे वाली वायर में। ग्रे वायर ऊपर वाली बीच वाली, सो ये हो गया। अब बारी है टेस्टिंग की, इग्निशन ऑन, स्विच ऑन करो हेडलाइट का, ये अगर लाइट जला के पहिया घुमाएंगे हम क्या होगा, चलता रहेगा और यहां से बंद भी हो जाएगी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसा है, बंद भी कर लो यहां से, ये चालू हो गई, रात हो रही, चला के देखते ना क्यों इसको, खाली सीट लगा उसकी, चला के देखते हैं। तो बताओ दोस्तों कैसा लगा, और चलते हुए बाइक कैसे लगी, कुछ अलग लग रही है ना, सोचो 2005-2006 में क्या था ये जुगाड़, मतलब अलग ही चीज है यार ये, है ना, बढ़िया लगता है। बाकी एक जुगाड़ है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोगों के डिमांड के ऊपर कर रहा हूं, और भी देखना चाहते हो तो बताओ। बाकी इस टायर का लगाऊं, ये लगाएं या नहीं लगाएं, ये लगाएं या कोई और से लगाएं बताना जरूर। ये भी लगा के छोड़ चुका हूं, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अगली वीडियो में क्या क्या जुगाड़, क्योंकि उस टाइम का ना फोटोज पड़े हुए और वो मुझे मिल गए, अब मिल गया, मैंने कहा क्यों ना यार आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ जितने भी मेरे एक्सपेरिमेंट पहले गए थे और कुछ नए दिमाग में कर रखे हैं, वो उनके अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाए और एनसीआर मोटरसाइकिल पे डाली जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए सब कुछ। और ये बाइक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या देखना चाहते हो, उसके अंदर जो भी देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, वो जो करेंगे इसके अंदर, जो भी देखना चाहते हो इस बाइक के अंदर वो एक्सपेरिमेंट के लिए अभी बना दिया एक्सपेरिमेंट, जो भी कहोगे वो हो जाएगा इसके अंदर, कमेंट करके बताओ। जिसका आइडिया अच्छा लगेगा वो चीज़ पे नेक्स्ट ट्राई करेंगे। टायर का जरूर बताओ, टायर के बाद वाला ट्राई करेंगे, ठीक है ना, या कोई और सा टायर लगाना चाहते हैं, बिल्डोजर का लगा दूं, बिल्डोजर का भी अच्छा लगेगा, पहले ये लगाएंगे, ठीक है ना, अगर आप बोलोगे तो। कमेंट करके जो बताना क्या करना है, बाकी डिटेल में बता दिया है। लग बहुत प्यारी रही है, अपडेट सारी इंस्टाग्राम पे भी आती रहती है, तो वहां पे भी जरूर फॉलो करना NCR_motorcycles पे, स्क्रीन पे आप नाम देख लो ये चीज, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना इंतजार के, मैं वीडियोस का मिलते बहुत जल्दी वीडियोस के साथ, बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।